हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 47। नीचे दिए गए पहेलियों की उत्तर लिखिए। है मेरी चार भुजाएं, मेरे चारों कोने हैं समकोण, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, दो जोड़े भुजाओं के बराबर। दिख जाता हूँ तुम्हें कक्षा में और कभी घर बाहर में। तो बेटा, दो जोड़े आमने सामने के बराबर हैं, तो देखिए वो यहाँ पे भी बना हुआ है। क्या है ये? बहुत हमारा जाना पहचाना आयत, रेक्टेंगल, है ना। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसे रेक्टेंगल कहते हैं। कभी ना झुकती, कभी ना थकती, सदा आगे बढ़ती रहती। तो क्या है ये? है ओम है कुछ सड़क के जैसी। ये एक रेखा है जिसके दोनों किनारे कितने भी बढ़ाए जा सकते हैं, और इसी वजह से हम इसके दोनों किनारों पर तीर का निशान लगाते हैं, रेखा, लाइन। सूरज से भी आती मैं, बल्ब से भी निकलती मैं, दिखती हूँ अर्जुन के तीर जैसी, बूझो तो मुझे मैं कैसी। ये एक किरण है बेटा, जिसका एक एंड होता है लेकिन दूसरी तरफ उसे हम कितना भी बढ़ा सकते हैं। कहाँ से शुरू होती है ये हमें पता है, लेकिन ख़त्म कहाँ होगी ये हमें नहीं पता। इसे हम किरण या रे कहते हैं। नीचे दिए गए बिंदुओं को क्रम से मिलाएं और देखें आपको कैसी आकृति मिलती है, फिर उसमें रंग भरें। तो ये तो आप बहुत इंटरेस्ट से कर लेंगे। तो देखिए, इस टाइप की आपको फिगर मिलेगी। नेक्स्ट हमें कुछ प्रोजेक्ट करने हैं जो कि हम क्लास में करेंगे। रंग बिरंगी शीट, कैंची, प्रोटेक्टर और पेंसिल आपको रखना है अपने पास, और फिर दो ट्राइंगल्स काटने हैं, उनके नाम रखने हैं, और फिर डी से प्रोटेक्टर से बेटा उनके एंगल्स माप कर हमें बताने हैं। देखिए, ये दो ट्रायंगल्स आपने बना लिए, कितने भी ट्रायंगल्स हम बना लें उसके बाद आप इनके कोणों को नापेंगे और देखेंगे कि हमारे पास कोणों का टोटल कितना आता है। तो आपको पता भी है कि कोणों का टोटल हमेशा एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, और इसी के बाद इसके परिमाप भी माप कर लिखने हैं। परिमाप मतलब भुजाओं की लंबाइयाँ मापनी है। सेकेंड प्रोजेक्ट हमें करना है, फिगर्स बनानी है, त्रिभुज, आयत और वर्ग, और उसके बाद इसका परिमाप निकालना है, यानी कि सारी भुजाओं को नाप कर और उन्हें ऐड करके इसका पेरीमीटर निकालना है। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।